हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक कैसा है, क्या आपको इस बैंक का कस्टमर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, फिर चाहे तो आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हों या फिर क्रेडिट कार्ड ले रहे हों या फिर जो है लोन के लिए अप्लाई कर रहे हों, इन सब मामलों में ये बैंक कैसा है, इसकी सर्विसेज वगैरह कैसी हैं, इसके चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इस बैंक के बारे में। तो बैंक को सबसे पहले हमें जानना है, उसके बाद ये जानना है कि बैंक कैसा है। तो ये बैंक दोस्तों बना है 1906 में, यानी कि काफ़ी पुराना बैंक है ये, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और जो गवर्नमेंट की इसमें शेयर होल्डिंग है वो 87%, यानी कि ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें से ये भी एक है। ये मत समझिएगा कि ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, बाद में आप मुझे कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखें। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें से ये एक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके जो टोटल एसेट्स, जिसको कि हम कुल संपत्ति बोलते हैं, वो $130 बिलियन की है, यानी कि लगभग इतनी ही है इसकी कुल संपत्ति। और जो टोटल ब्रांचेज हैं इसकी देश भर में, यानी कि इंडिया भर में, वो 5,316 ब्रांचेस लगभग हैं। ये सटीक पूरा सही आंकड़ा नहीं है, मतलब ये जो है लगभग का अनुमान बताया जा रहा है और ये पुराना डेटा है। तो इतना ही आप मान के चलिए कि 5,000 से कुछ ऊपर, 5,500 के करीब होंगी इसकी ब्रांचेस। तो दोस्तों, ये अच्छी बात होती है कि बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा होने से क्या होता है कि हमें सहूलत ज़्यादा होती है। ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो भीड़ कम होंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर किसी एरिया के अंदर, यानी किसी एक ज़िले के अंदर किसी बैंक की एक ही सिर्फ ब्रांच मौजूद हो तो उसमें क्या होगा कि भीड़ जो है ज़्यादा होगी, पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा भरेंगी क्योंकि एक ही बैंक की ब्रांच है, तो इसी जाहिर सी बात है। और अगर ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो पब्लिक बढ़ जाएगी अलग अलग जो है ब्रांचेज में। और दोस्तों, इस बैंक की जो ब्रांचेज होती हैं वो ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि सेमी अर्बन लोकेशन में, यानी सेमी अर्बन एरियाज़ में होती हैं। तो जो आधे शहर और आधे गाँव टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पर ये अपनी ब्रांचेज जो हैं लगा देते हैं, वहाँ पर इनकी ब्रांचेज देखने को मिलती हैं। और बाकी जो शहर वगैरह होते हैं, मतलब जो अर्बन लोकेशन है वहाँ पे तो इनकी ब्रांचेज आपको मिल ही जाएंगी। बाकी जो रूरल एरिया या फिर ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पे इनकी ब्रांचेज बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयरली इनकी ब्रांचेज देखने को मिलती हैं, मतलब समझिए कि ना के बराबर की होती हैं। ऐसे इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है या फिर जो है ग्रामीण से थोड़ा सा ऊपर जो होता है, जिसको कि हम रूरल एरिया कहते हैं, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण वो होता है जो बिल्कुल पिछड़ा होता है, रूरल होता है थोड़ा सा उससे बेहतर होता है। और जो टाउन वगैरह होते हैं वहाँ पे इसकी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब कम देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से इस बैंक की ब्रांचेज पाई जाती हैं देश भर में। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि किसी भी ग्रामीण एरिया या फिर रूरल एरिया में इसकी ब्रांचेज मौजूद ही ना हो, नहीं तो कोई जो कमेंट करने लगे, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर कहाँ होती हैं और जो कम चांसेस कहाँ होते हैं कि किस एरिया में जो इसकी ब्रांचेज जो कम आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ब्रांचेज आपको ज़्यादातर सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरियाज़ में ही देखने को मिलती हैं, तो इसको आप समझिएगा। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट का फाउंडर भी है। स्विफ्ट बैंकों की एक ऐसी सोसाइटी होती है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को हैंडल करती है, जैसे कि वायर ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके ज़रिए से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, यही जो है बैंक हैंडल करते हैं जो कि स्विफ्ट इनेबल्ड होते हैं। तो जैसे कि जिन लोगों के गूगल एडसेंस से पैसे आते हैं उनको पता होगा कि उनके पैसे जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ज़रिए से आते हैं, मतलब डॉलर में होते हैं। तो वो सब जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो स्विफ्ट के ज़रिए से होता है, उनको स्विफ्ट कोड भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने की, और उसी बैंक का स्विफ्ट कोड वो इस्तेमाल करते हैं जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है। तो ये जो स्विफ्ट पूरा इसी तरीके से काम करते हैं, इनका काम ही यही होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को हैंडल करना। तो बैंक ऑफ इंडिया को हम यहाँ पर मामूली नहीं समझ सकते, क्योंकि स्विफ्ट का फाउंडर होना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। तो बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो इससे ये भी फ़ायदा मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वायर ट्रांजेक्शन वगैरह इससे हो सकता है, हालांकि अब तो सभी बैंकों से हो रहे हैं, सिवाय पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ करके। और जो बैंक जो है स्विफ्ट इनेबल्ड नहीं होते उनका भी कोई पार्टनर बैंक होता है जिनके साथ उनका टाई अप होता है, उसके ज़रिए से वो जो है इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं,
लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि प्रोसेस लंबा हो जाता है, टाइम लग जाता है। लेकिन जो स्विफ्ट इनेबल्ड बैंक होते हैं उनमें डायरेक्टली पैसे आते हैं तो बेहतर होता है, उसमें फटाफट से आपका काम होता है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी कि आप 500 रुपये से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये से आप जो है बैंक ऑफ इंडिया में अपना चेक ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो जनरल सेविंग्स अकाउंट होता है ना, ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट जिसको कि ये लोग कहते हैं, तो वो आप आराम से एकदम जो है 500 रुपये में ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों जो चार्जेस होते हैं ना, वो भी नॉर्मल से चार्जेस होते हैं या फिर हम कहें कि नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। इस बैंक के चार्जेस ज़्यादा नहीं है, तो आप बेझिझक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई अदर सर्विस चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि जैसे कि उन्होंने लोन अप्रूव कराया तो वहाँ पर उनको प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ी। तो मतलब बैंक अच्छा है, सर्विसेज वगैरह अच्छी प्रोवाइड कर रहा है और चार्जेस भी कम ले रहा है। तो इसमें आप जो है अकाउंट चाहे अपना ओपन कराएं, चाहे क्रेडिट कार्ड ले, चाहे लोन ले, सभी के लिए अच्छा है। हालांकि अभी आप आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें बेनिफिट मिलता है और कैसे नहीं मिलता है, ये भी आपको समझना होगा। दोस्तों बात करें लोन के लिए बैंक कैसा है, तो लोन के लिए बहुत से लोगों ने बताया कि बैंक अच्छा है क्योंकि इसके चार्जेस वगैरह कम होते हैं, इंटरेस्ट आपको कम देना होता है। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग फ़ी नहीं कोई ली गई लोन अप्रूव कराने के लिए। तो मतलब कि बैंक इस मामले में भी अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आपको लोन वगैरह भी चाहिए तो इस मामले में भी ये बैंक अच्छा है, इस बैंक की तरफ आप जा सकते हैं लोन के लिए भी। फिर चाहे तो वो होम लोन हो गया, या फिर कार लोन हो गया, या फिर पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, किसी भी तरीके का लोन हो, आपको इस बैंक से लोन मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि बैंक जो है अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये ऐसा बैंक है जो नुकसान में नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ से लोन वगैरह भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी के टाइम में चल रहा है COVID-19, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स के लिए बैंक कैसा है, तो क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी बैंक अच्छा है, हम इसको बुरा नहीं कह सकते हैं। ये अलग बात है कि जो इस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उन क्रेडिट कार्ड्स पे आपको ज़्यादा फीचर्स या फिर ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को अपनी जो है एक वीडियो में बताई थी, आपको याद होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो इस बैंक से आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उनमें ज़्यादा फीचर्स या फिर ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जबकि आपको दूसरी तरफ से ये बेनिफिट मिलता है कि जो उस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आप जो है दूसरी तरफ से बेनिफिट अपना बना सकते हैं, यानी कि आपको दूसरी तरफ से फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के क्रेडिट कार्ड के लिए भी बैंक अच्छा है। हालांकि इसके क्रेडिट कार्ड्स ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि HDFC के या फिर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके लेवल के नहीं होते, लेकिन फिर भी जैसे भी होते हैं चार्जेस तो कम होते हैं। दोस्तों कंक्लूजन देना चाहूँगा तो ये बैंक ऑलराउंडर बैंक है, हर चीज़ के लिए अच्छा है। चाहे बैंक अकाउंट आप ओपन कराएं, चाहे फिर लोन लें, चाहे फिर आप क्रेडिट कार्ड लें, ये बैंक हर मामले में आपको अच्छा ही मिलेगा। और पर्सनली ये बैंक मुझे पसंद है, मैंने खुद जो कोशिश किया था अकाउंट ओपन करने की, लेकिन मैंने उस टाइम में अकाउंट ओपन करने की कोशिश किया था जब मेरे पास समझिए कि पैन कार्ड भी नहीं था और मैं दूसरी जगह पे उस वक्त रह रहा था, तो मैं सिर्फ अपना एड्रेस प्रूफ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाया था। हालांकि अगर मैं कोशिश करता तो अकाउंट आसानी से ओपन हो जाता, बहुत अच्छे इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बैंक बहुत बढ़िया है, आप चाहें तो अकाउंट ओपन करें, चाहे फिर क्रेडिट कार्ड लें, चाहे फिर लोन के लिए अप्लाई करें, या फिर कोई अदर सर्विस आपको लेनी है उस बैंक से, तो आपको कोई शिकायत मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।